गुड मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज सिक्स क्लास का वीडियो लेकर आए हैं एक्सरसाइज 21A। 21A से आपका दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पूछा हुआ क्वेश्चन को आप सोल्व कर दे रहे हैं। इसमें से 10 और 11 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, यानी कि आपका 10 और 11 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 10 और 11 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 का बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, इसमें तीन क्वेश्चन दिया है, तीनों का आपका पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि ऊपर में हेडिंग जो बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालिए। पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, जिसका साइड 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन हम एग्जांपल जो बता रहे थे तो उसमें सॉल्व किए थे। किसी का भी अगर पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, किसी का भी पेरीमीटर अगर पूछेगा तो हम उसमें क्या करते हैं, या तो हम करते थे साइड, अगर पेंटागन पूछता था वहां पे हम ट्रायंगल का निकालते थे, तो 3×2 साइड करते थे। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, वो तो ट्रायंगल का था। लेकिन यहाँ पे पेंटागन पूछ रहा है, तो पेंटागन का फिगर हम यहाँ पे देखिए ऐसे बनाते हैं। ये आपका पेंटागन क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 साइड हो गया। सबका बोल रहा है कि 8, 8 और 8, ये साइड बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर है। टीसी का पेरीमीटर निकालना है, तो यहाँ पे 5 साइड है, तो 5×2 साइड हो जाएगा, 5×2 साइड, या तो फिर सम ऑफ ऑल साइड करते हैं। सम ऑफ ऑल साइड से भी निकालते थे, यानी कि 8 + 8 कितने बार ऐड करेंगे, हम 5 बार ऐड करेंगे, या तो फिर हम 5×2 साइड कर देंगे, तो 5×8 हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल टू 5×, क्योंकि 5 साइड होता है, तो 5 और आपका साइड कितना दे दिया है, 8। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8×5 जाए कितना होता है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। 10 का दो क्वेश्चन बच गया है, सेकंड और थर्ड आप खुद से बना लीजिएगा, हम आपको बस समझा दे रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इरेगुलर पेंट ऑक्टागन ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। ऑक्टागन बोल रहा है, उसमें साइड कितना होगा, 8 उसमें साइड दिया हुआ रहेगा, लेकिन एक साइड दे दिया कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो जैसे हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो वहां पे कितना से मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इरेगुलर डेकागन ऑफ साइड 3.6 सेंटीमीटर। एक डेकागन है जिसका साइड दे दिया 3.6 सेंटीमीटर। तो डेकागन यानी कि 10 को बोलते हैं डेका, ऑक्टा 8 को बोलते हैं, पेंटा 5 को बोलते हैं। तो बोल रहा है कि डेकागन है, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 10×, जितना आपको साइड दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें फिगर दिया हुआ है, ये सारा फिगर का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाए, उसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 भी बनेगा। उसमें क्या था, हम मल्टीप्लाई करते थे या सम करते थे, दोनों से सेम होता था। उसमें क्या था, साइड दे दिया था कि पेंटागन या ऑक्टागन है, लेकिन यहाँ पे आपका साइड अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिगर बना रहे हैं जो दिया हुआ है। यहाँ पे दे दिया है ABC, डिवाइड करके बनाएंगे, तो ये एक फिगर है, इसका दे दिया है AB कितना सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर है,
COD कितना है 45 सेंटीमीटर है, A और C 35 सेंटीमीटर और B और D 35 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ ऑल साइड, ये फिगर जो है इसका कर देंगे सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड से निकलेगा सबको हम ऐड कर देंगे 27 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 35 ये सबको हम ऐड कर देंगे, जो ऐड करने के बाद आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड से निकालेंगे जितना भी इसमें फिगर, इसमें तीन फिगर दिया हुआ है तो एक फिगर हम बता दिए, दो फिगर आप खुद से बनाइएगा, सम ऑफ ऑल साइड करिएगा तो इसमें सारा का सारा बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए 21 बी में भी दो क्वेश्चन पूछा गया है, 21 बी का है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। सबसे पहले 5 देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ ए कार इन 500 रिवॉल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एग्जांपल नंबर 3 की तरह है, हम ऐसे एग्जांपल आपको बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जैसे हम आपको एग्जांपल नंबर 3 समझाए थे और बताए थे, आप अगर उस तरह अगर जो पिछला वीडियो देखते आप लेक्चर 4 देखते तो उसमें डाला हुआ था, यानी आप लेक्चर 4 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ठीक है आप पूछे हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, डायमीटर दिया हुआ है व्हील का, डायमीटर हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल्स टू कितना दिया है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर दिया है। और बोल रहा है कि जब ये 500 रिवॉल्यूशन करेगा, घूमेगा 500 बार, तब वो कितना दूरी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे था उसमें पूछ रहा था एग्जांपल नंबर 3 में, बिल्कुल यहाँ पे वही पूछ रहा है। इसका हम पहले जब डी दिया है, डी दे दिया है डी इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, तो इसको हम आर निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है डी बाय टू, यही होता है ना, तो आपका डी कितना है 77 बाय टू कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हम रफ पे डिवाइड करके आपको शो कर रहे हैं 2 3 जा 6 1 2 8 जा 16 डेसिमल बैठाएंगे 0 2 5 जा 10 कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये डिवाइड कर कर आया तो ये तो आर निकल गया। जब यहाँ से आर निकला तो हम यहाँ से निकालेंगे सर्कमफेरेंस, निकालेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, व्हील इक्वल टू क्या होगा 2πr, आपको फॉर्मूला बताया गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का, तो 2 × π का मान कितना बताया है 22/7 इंटू आपका आर आ गया है 38.5, जब ये दशमलव नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा। अब इसे काटिए 2 से कट जाएगा 2 5 जा 10, अब ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35, 7 से काट देंगे 11 बार में कट जाएगा, 22 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 2 2 42, यहाँ पे आ जाएगा 242 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो हो जाएगा 200 से डिवाइड कीजिएगा ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए रहता है तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए रहता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 2.42 मीटर, मीटर में आ गया। अब बोल रहा है कि अभी हमारे सिमिलिटी मेथड से हम जो पिछला क्वेश्चन बताया था रिवॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन यानी कि 1 बार जो पहिया घूम रहा है, चक्का घूम रहा है, कितना है 1 बार में कितना घूम रहा है 2.42 मीटर, 2.42, इसलिए फिर कितना रिवॉल्यूशन बोल रहा है 500 रिवॉल्यूशन करेगा तो 2.42 इंटू 500 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कीजिए
यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई 242 5 से 5 3 0 1 5 4 21 21 2 5 2 10 और 2 12 1210 डबल जीरो बैठा देंगे इसपे इसपे देखिए डेसिमल जो बैठाया गया है दो अंक के बाद यहाँ पे हम डेसिमल बैठा देंगे यानी कितना जाएगा 1210 किलोमीटर। ये आपका आया किसमें, ये क्वेश्चन नंबर 5 का था, ये बनाया गया था, इसमें आपका आंसर इतना आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एग्जांपल नंबर 3 पे हम ऐसा ही बताए थे, तो 5 बन जाएगा। अब तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे, और लैंग्वेज लिखा है डिरिवेटिव मेथड से लिखा है, वो आप खुद से लिखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 तो समझ में आ गया, अब 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 27 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू ट्रैवल 1.65 किलोमीटर। वहां पे आपको क्या दे, वहां पे भी आपको रिवॉल्यूशन दिया था, वहां पे भी बोल रहा है कि रिवॉल्यूशन विल टेक टू ट्रैवल इतना किलोमीटर, यानी कि वो जब रिवॉल्यूशन कर रहा है उतना बार घूम रहा है, तो यहाँ पे वहां पे क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में, आपको जब घूम रहा था कितना किलोमीटर तक जाएगा, और इसमें आपको किलोमीटर दे दिया है, आपको रिवॉल्यूशन निकाल रहा है कि कितना रिवॉल्यूशन घूमेगा, कितना बार घूमेगा, तो 1.65 किलोमीटर कवर करेगा। यहाँ पे आपको रिवॉल्यूशन निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे बिल्कुल उसी तरह बनेगा, उसमें था मल्टीप्लाई करते थे आपको रिवॉल्यूशन में, यहाँ पे आपको रिवॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे हम आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे डायमीटर ऑफ व्हील डी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, तो आर निकालेंगे 70/2 इक्वल्स टू 35 आर हो गया। हम आपको ये शॉर्ट मेथड शॉर्ट बता रहे हैं, सिर्फ आप खुद से बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। जब आर निकल गया तो सी निकालेंगे 2πr से 2 इंटू पाई का मान 20 2/7 इंटू 35 इसको काटेंगे 7/5 35 मल्टीप्लाई करेंगे 22 में 2 से तो 44 हो जाएगा, 44 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 0 2 5 4 20 2 22 220 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ गया तो सी निकल गया आपका। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो रिवॉल्यूशन ट्रेवल बोल रहा है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन कितना रिवॉल्यूशन होगा विल इट मेक टू ट्रेवल 1.65 किलोमीटर। जब वो 1.65 किलोमीटर ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, तो उसका रिवॉल्यूशन कितना होगा, तो हम बताएं कि हाउ मेनी से जहाँ भी क्वेश्चन रहता है उसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हाउ मेनी से यहाँ भी क्वेश्चन बोल रहा है तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जो आपका ये 1.65 ट्रेवलिंग जो दिया हुआ है टाइम, ट्रैवलिंग टाइम यहाँ पे लिख लेंगे कितना दिया हुआ है, ट्रैवलिंग टाइम इक्वल टू 1.65 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो एक एक नियम से चल देखो 1.65 किलोमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, तो पहले किलोमीटर को मीटर में करो, एक मीटर एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1000 से, जब 1000 हो जाएगा तो ये मीटर हो गया, अब मीटर को सेंटीमीटर में कर दो क्योंकि यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस आया किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अब इसे डिवाइड करेंगे हम कितना 220 220 को डिवाइड करेंगे, और ये जो 1.65 है जब ये डेसिमल नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा गुणे 100 होगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, जो बचेगा 165 इंटू 1000 बाय 220 10 से 10 कैंसिल, अब इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, अभी देखिए तो कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इंटू 50/11 इसको
इसको हम काटेंगे, जो आपको यहाँ पे पहले गुना करेंगे, गुना करके 11 से काटेंगे, और 11 से काटने के बाद जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, उतना रिवॉल्यूशन होगा यहाँ पे, इतना रिवॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम काट नहीं, आप खुद से काट के निकाल लीजिएगा, ये सॉल्यूशन हम आपको दिखला दिए कैसे बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आप ये एक्सरसाइज 21A और 21B पूरा क्लियर कर लीजिएगा, तो हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज 21C में। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स।